Hey guys, again I'm back. Guys, आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आ गया हूँ और आज की वीडियो में हम दो स्मार्टफोन का कंपैरिजन करने वाले हैं, जो कि हमारा Xiaomi का Mi 10, जो कि 5G स्मार्टफोन आ गया है, और एक है OnePlus 8। तो दोनों स्मार्टफोन का हम जो है फुल्ली कंपैरिजन करने वाले हैं इस वीडियो में, डिटेल के साथ आपको बताने वाला हूँ। आइए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइस आपको बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि बताना चाहूंगा, Mi 10 में आपको जो है दो वेरिएंट देखने को मिलता है, एक है 8GB रैम और 128GB इंटरनल के साथ। बात करते हैं इसकी प्राइस की, प्राइस निकल के आती है इसकी 49,999 रुपए, और दूसरा जो वेरिएंट इसका निकल के आता है वो 8GB रैम 256GB इंटरनल के साथ आता है, उसकी प्राइस निकल के आती है 54,999 रुपए। सो अभी बात करते हैं OnePlus 8 के बारे में। OnePlus 8 में आपको तीन वेरिएंट मिलता है। पहला वेरिएंट आपको मिल जाता है 6GB रैम 128GB इंटरनल के साथ, जिसका प्राइस निकल के आता है 41,999। दूसरा वेरिएंट OnePlus 8 का निकल के आता है 8GB रैम और 128GB इंटरनल के साथ, जिसका प्राइस आपको जो है 44,999 रुपये पड़ जाता है। बात करते हैं OnePlus 8 के तीसरे वेरिएंट की, तो इसमें जो है 12GB रैम और 256GB इंटरनल के साथ ये स्मार्टफोन आपको दिख रहा है, और ये वाला वेरिएंट आपको पड़ जाएगा 49,999। Xiaomi Mi 10 में आपको जो है स्क्रीन देखने को मिल जाती है 6.67 की, फुल HD प्लस कर्व एमोलेड डिस्प्ले, और इसी के साथ आपको OnePlus 8 में जो स्क्रीन देखने को मिल जाती है वो 6.55 की फुल HD प्लस फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले। दोनों फोन में आपका जो गजब का चीज दिया है वो है इसका पावरफुल प्रोसेसर, मतलब इसमें जो है आपको स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर दिया गया है, जो कि काफी फास्ट प्रोसेसर दिया जा रहा है दोनों स्मार्टफोन। तो जहां Xiaomi में आपको जो है 8GB की रैम देखने को मिलती है, वहीं आपको OnePlus 8 में आपको 6GB से लेकर 12GB रैम तक का ऑप्शन देखने को दिया जा रहा है। जैसा कि बात करना चाहेंगे कैमरा के ऊपर, Mi 10 में आपको जो है 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिल जाता है, और दूसरा आपको जो है 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेंसर देखने को मिल जाता है, और तीसरा आपको जो है इसमें 2-2 मेगापिक्सल का जो है सेंसर देखने को मिल जा रहे हैं। और अगर बात करें OnePlus 8 के कैमरे की, तो इसमें आपको जो है पहला जो है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिल रहा है, दूसरा आपको जो है 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल रहा है, और इसी के साथ आपको जो है इसमें 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस दिया गया है। और आपको बताना चाहूंगा इन दोनों फोन में आपको जो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ बात करते हैं बैटरी के ऊपर, बैटरी दोनों फोन में आपको जो है अच्छी देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आपको जो है Mi 10 में 4780mAh की बैटरी आपको देखने को मिलती है, और साथ ही में आपको जो है फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जो कि 30 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है इसमें। Xiaomi Mi 10 में एक और फीचर दिया गया है, वो है वायरलेस चार्जिंग। और इसी के साथ बात करते हैं OnePlus 8 में आपको जो है 4300mAh की बैटरी दी जाती है, वो भी अच्छी है, और इसमें जो है आपको फास्ट चार्जर का भी सपोर्ट दिया गया है, इसमें भी आपको 30 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। बट इसमें एक चीज़ नहीं दी गई है, वो है इसकी वायरलेस चार्जिंग। जी हाँ गाइस, इसमें वायरलेस चार्जिंग आपको नहीं दी गई है। अगर आप इस स्मार्टफोन को खरीदना चाहते हो, आप चाहते हो कौन सा आपके लिए बेस्ट है, तो ओवरऑल जो कंपैरिजन निकल के आया है वो इस स्मार्टफोन का वो ये है कि दोनों स्मार्टफोन में आपको जो है सेम फीचर देखने को मिल रहा है। जैसा कि आपको बताना चाहूँगा, अगर आप अपना प्राइस बढ़ाते हो तो आपका कैमरा भी बढ़ जाएगा, तो ये आपके ऊपर है। अगर आप अपना प्राइस बढ़ाते हो तो आप कैमरा मतलब कैमरा वगैरह अच्छे फीचर देख सकते हो, और अगर आपका प्राइस लो है तो आप OnePlus 8 ले सकते हो। दोनों में आपको 5G कनेक्टिविटी देखने को मिल जा रही है। सो फाइनली गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गई प्रॉपरली कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट है। क्लियरली मैंने इस वीडियो में आपको पूरा डिस्कस करके बताया है। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, और बताना चाहूंगा चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो अपने चैनल पर हमेशा लाता रहता हूँ। कंपैरिजन से रिलेटेड वीडियो और कुछ अमेजिंग वीडियो मैं अपने चैनल पर हमेशा लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।